नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद कि भैया सेकंड ईयर के जो कोर्स है उस पर वीडियो बनाओ, सेकंड ईयर की थ्योरी है उस पर वीडियो बनाओ। जी हाँ दोस्तों, फाइनली मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ सेकेंड ईयर के कोर्स पर दोस्तों वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में दोस्तों जो ट्रेड थ्योरी है उसमें दोस्तों सेकेंड ईयर का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, आप लोग में से बहुत से लोग जो फर्स्ट ईयर में हैं उनको मैं बता दूं दोस्तों, हमारे जो फर्स्ट ईयर में कुछ और चैप्टर यहाँ पर बचे हुए हैं जिन पर दोस्तों वीडियो मैं कुछ देर में बना दूंगा, या फिर जिनकी कुछ वीडियो बनी हुई है तो वो ऑलरेडी अपलोड होना है। तो आप लोग वेट कीजिएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के और भी दो चार यहाँ पर लेसन बचे हुए हैं, तो उनके बारे में भी आपको वीडियो यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मैं वीडियो रेगुलरली क्यों नहीं बनाता हूँ तो दोस्तों उसका एक कारण ये भी है कि आप में से दोस्तों सब्सक्राइबर मतलब कि चैनल पर दोस्तों बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग में से बहुत सारे लोग वीडियोस नहीं देखते, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है डाउन हो जाता है और मैं हफ्तों हफ्तों तक वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं करता हूँ। क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोग उसको देखते नहीं हैं, तो फिर वीडियो अपलोड करने का कोई सेंस यहाँ पर बनता नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बट वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। और दोस्तों, खास तौर पर यहाँ पर ITI में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम सेकेंड ईयर में पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है ऑसिलोस्कोप एंड फंक्शन जनरेटर, जिसका पूरा नाम दोस्तों कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड फंक्शन जनरेटर है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर में थ्योरी है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब आपकी बुक में हो सकता हो ये चैप्टर आगे पीछे हो, बट जो मैं बुक यूज़ करता हूँ वो निमी की NHQF Level 5 है, उसी से दोस्तों मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, उसी से पढ़कर वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अभी मैं खुद यहाँ पर ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और दोस्तों, जो जो मैंने पढ़ा है, जो जो जैसा कि जैसे जैसे मैंने तैयारी यहाँ पर की है एग्ज़ाम के लिए, तो वही सब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों, CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि CRO का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, CRO का यूज़ हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे डिवाइस होते हैं जिनकी दोस्तों एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी मेजर करने के लिए हम दोस्तों कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज़ करते हैं, या कोई भी मतलब कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसका यूज़ हम डिस्प्ले वेव फॉर्म और अल्टरनेटिंग, और दोस्तों AC और DC के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके दोस्तों फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, फेस का मेजरमेंट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम दोस्तों CRO का यूज़ यहाँ पर करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऑसिलोस्कोप की। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑसिलोस्कोप होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एनालॉग ऑसिलोस्कोप, एक होता है डिजिटल ऑसिलोस्कोप। अब दोस्तों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ। तो दोस्तों, एनालॉग ऑसिलोस्कोप जो होते हैं वो दोस्तों यहाँ पर साइन वेव और ट्रायंगल वेव, मतलब साइन वेव और ट्रायंगल वेव द्वारा आप मान दिखाते हैं, जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले पर दिखाते हैं। बट जो यहाँ पर DSO मतलब कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, मतलब कि जो डिजिटल ऑसिलोस्कोप होते हैं वो यहाँ पर स्क्वायर टाइप वेव यहाँ पर दिखाते हैं अपनी स्क्रीन में। ये दोस्तों एक बेसिक सा एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको बताया है, बट दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है DSO और CRO के बीच, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं CRO के बारे में, जो कि है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, टिपिकली दोस्तों एनालॉग टाइप। तो जी हाँ दोस्तों, हम एनालॉग की बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों इसमें आपको जो बेसिक बातें हैं उनका ध्यान रखना है, वो है इसके पार्ट्स कि कौन कौन पार्ट्स से मिलकर बनता है और इसमें उन पार्ट्सों का काम क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस ब्लॉक डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसमें दोस्तों टोटल 6 पार्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर,
और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, और लास्ट में दोस्तों सीआरटी। सीआरटी मींस कैथोड रे ट्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत जन जो हैं वो सीआरओ और सीआरटी के बीच में कन्फ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये दोनों चीज़ एक हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। सीआरटी मींस कैथोड रे ट्यूब और सीआरओ मींस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, सीआरओ के अंदर सीआरटी होता है। सीआरटी के बारे में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरओ के बारे में। तो सीआरओ के बारे में सबसे पहले हम वर्टिकल एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या यूज होता है। तो दोस्तों हम सीआरओ से कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए जो इसको वैल्यू देते हैं, मान देते हैं, वो दोस्तों कम होता है और उसको दोस्तों हमें एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि सीआरटी को हमें दो प्रकार के सिग्नल देने पड़ते हैं, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, क्योंकि दोस्तों जो इसमें वेव आती हैं वो दोनों ही और मूव करते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो इसलिए हमें इसमें दोनों प्रकार के एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों वर्टिकल एम्पलीफायर से जो सिग्नल आता है उसको हम वर्टिकली एम्पलीफाई करते हैं। और दोस्तों डिले लाइन, अब डिले लाइन का दोस्तों यहाँ पर काम क्या होता है? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि जो वर्टिकली एम्पलीफायर है यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल देते हैं, इसके बाद दोस्तों इस सिग्नल का दोस्तों हॉरिजॉन्टली एम्पलीफाई होना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों वर्टिकली एम्पलीफाई के बाद ये सिग्नल निकल कर डिले लाइन के पास आता है, और डिले लाइन दोस्तों इस सिग्नल को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है तब तक कि ये वाला सिग्नल दोस्तों हॉरिजॉन्टली एम्पलीफाई ना हो जाए। जैसे ही दोस्तों ये दोनों सिग्नल हैं हॉरिजॉन्टली एम्पलीफाई हो जाते हैं और ये यहाँ से वर्टिकली, तो दोस्तों फिर दोस्तों ट्रिगर सर्किट के जरिए दोस्तों इन दोनों को ट्रिगर करा दिया जाता है, ताकि ये दोनों सिग्नल, मतलब वर्टिकल सिग्नल और हॉरिजॉन्टली सिग्नल, एक साथ सीआरटी को मिले। क्योंकि दोस्तों हमें ये दोनों सिग्नल एक साथ सीआरटी को देना पड़ता है। अगर हम ये दोनों एक साथ नहीं देंगे तो हमारे जो डिस्प्ले है उस पर मान जो वेव है वो यहाँ पर सही शो नहीं होगी। और दोस्तों अब यहाँ पर टाइम बेस्ड जनरेटर बच गया है, क्योंकि ट्रिगर का तो हमें पता चल गया कि एक साथ ट्रिगर करने के लिए डिले लाइन होल्ड करता है वर्टिकली एम्पलीफायर सिग्नल को, और हॉरिजॉन्टली एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है हॉरिजॉन्टल सिग्नल को। अब टाइम बेस्ड जनरेटर का क्या यूज यहाँ पर होता है? अब दोस्तों टाइम बेस्ड जनरेटर का यूज दोस्तों सोटूज वोल्टेज उसको जनरेट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, जो कि दोस्तों जो जिसके द्वारा दोस्तों हम जो हॉरिजॉन्टल भाग है उसमें दोस्तों बीम को डिफ्लेक्ट कराते हैं। तो टाइम बेस जनरेटर का इतना ही यूज होता है कि यह सॉटूथ वोल्टेज को इनक्रीज करता है, जनरेट करता है, और दोस्तों ये जो है हॉरिजॉन्टल भाग में दोस्तों बीम को जो यहाँ पर डिफ्लेक्ट कराता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं सीआरटी के बारे में। दोस्तों ये सब आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस जनरेटर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने सीआरटी के। सीआरटी का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया कैथोड रे ट्यूब। तो अब दोस्तों सीआरटी का लेआउट कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पीछे दोस्तों होता है इलेक्ट्रॉन गन, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये यहां पर इलेक्ट्रॉन गन है। इसके बाद दोस्तों इसके जस्ट सामने दोस्तों डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, जहां पर दोस्तों वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, इसके बाद हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। और दोस्तों इसके सामने दोस्तों एक स्क्रीन होता है जो कि फोर्स पर जिस पर चढ़ा हुआ होता है, मतलब कि जो स्क्रीन होता है वो फोर्स पर से लेपित होता है। अब दोस्तों मैं आपको डिफ्लेक्शन सिस्टम को ईजी भाषा में बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन का यूज यहाँ पर क्यों होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन गन का यूज यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम को निकालने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने लेजर लाइट का नाम सुना ही होगा, जो कि आसानी से 10-15 रुपए की आती है। दोस्तों उनमें से जो रेड कलर की लाइट निकलती है वो सीधी निकलती है दोस्तों, बहुत दूर तक जाती है, तो वो भी दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पर बीम ही है, उसको भी हम इलेक्ट्रॉन बीम ही बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन काम करती है। इसमें से दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है वो यहाँ से सीधी जाती है। और अगर दोस्तों हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन सिस्टम ना लगाएं, सीधी ही ये जो बीम है ये हम डिस्प्ले पर गिनने दें, फॉस्फर लेपित डिस्प्ले पर, तो दोस्तों ये हमें एक डॉट जैसी यहाँ पर दिखाई देगी, मतलब कि एक ओनली डॉट टाइप की। इसलिए दोस्तों हमें, और जैसा कि हमें पता है हमारी जो वेव होती है वो यहाँ पर वर्टिकली भी मूव करती हैं और हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पर मूव करती हैं, तो दोस्तों इसलिए हमें डिफ्लेक्शन सिस्टम को यहाँ पर लगाना पड़ा, इसलिए हमें डिफ्लेक्शन प्लेट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ी। तो वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्लेट्स में होता क्या है, जैसे ही यहाँ से बीम निकलती है तो वो यहाँ पर वर्टिकली डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब दोस्तों ये वर्टिकली डिफ्लेक्ट प्लेट को दोस्तों डायरेक्ट अगर हम स्क्रीन पर दिखाएं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को हटा के, तो दोस्तों वो यहाँ पर केवल वर्टिकल लाइन की तरह दिखेगी,
इसलिए दोस्तों इसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल प्लेट्स यहाँ पर लगानी पड़ी, ताकि दोस्तों जो यहाँ पर वर्टिकली डिफ्लेक्ट हुई है बीम, वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाए। फिर दोस्तों डिफ्लेक्शन सिस्टम से गुजरने के बाद बीम दोस्तों दोनों ही तरफ, मतलब कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरफ दोस्तों यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर स्क्रीन पर वेव टाइप की देखने को मिल जाती है, जिसके कारण दोस्तों हमें जो है मान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों कि आप CRT यानी कैथोड रे ट्यूब और CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको CRO की कुछ कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये है डिस्प्ले जो कि दोस्तों फॉस्फर लेपे थे डिस्प्ले, और दोस्तों यहाँ पर चैनल 1 एंड चैनल 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने प्रोब्स को लगाकर किसी भी डिवाइस का दोस्तों यहाँ पर मान जो कि हम CRO का यूज़ करते हैं वो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्स गेन और वाई गेन है। तो एक्स गेन का मतलब दोस्तों कोई भी आप समझ सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली उसको एम्पलीफाई ज़्यादा करना, और वाई का मतलब दोस्तों वर्टिकली उसको एम्पलीफाई करना। तो यहाँ से हम एम्पलीफिकेशन कंट्रोल करते हैं। इसके बाद दोस्तों टाइम बेस्ड जनरेटर, इसका यूज़ दोस्तों हम शॉर्ट टूथ सिग्नल को जनरेट या जनरेट करने के लिए करते हैं, तो उससे हम वो कर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्रॉपर इसमें बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये है डिस्प्ले, आप सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों ये है यहाँ पर चैनल 1, यहाँ पर हम प्रोब्स लगा सकते हैं। चैनल 2 यहाँ पर भी हम प्रोब्स यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है एक्स गेन, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू मतलब कि हॉरिजॉन्टली सिग्नल को जो हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये है वाई गेन, इससे हम दोस्तों वर्टिकली सिग्नल को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि इन दोनों से दोस्तों हम जो डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, जो एम्पलीफिकेशन सिस्टम होता है, वो दोस्तों हम वर्टिकली कितना एम्पलीफाई करना है वो हम बाई से कंट्रोल कर सकते हैं, बाई गेन से, और हॉरिजॉन्टली कितना करना है वो एक्स से। अब दोस्तों यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, हो सकता है दोस्तों जो वर्टिकली एम्पलीफाई है वो एक्स गेन से हो, और जो हॉरिजॉन्टली एम्पलीफाई है वो बाई गेन से। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर टाइम बेस्ड जनरेटर, तो इसके द्वारा हमने मैंने बता ही दिया आपको कि जो है शॉर्ट टूथ सिग्नल को जनरेट किया जाता है। और दोस्तों मैं UGCRO के आपको पहले ही बता चुका, और दोस्तों CRO में और मतलब कि जो CRO और DSO है उसमें मेनली जो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था स्क्वायर और साइन एंड ट्रायंगल वेव का। और दोस्तों इससे फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं वो आपको आपकी क्लास में प्रैक्टिकल में सिखाया हुआ, अगर नहीं सिखाया होगा तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ये लॉकडाउन यहाँ पर ख़त्म होता है और अगर हमारे कॉलेज खुलते हैं तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी यहाँ पर करा कर बता दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिसाजस फिगर्स। तो दोस्तों अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपने मेरी वेबसाइट पर जो मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम पोस्ट अपलोड की थी तो उसमें एक क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर लिसाजस से ही रिलेटिव था। तो एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिसाजस की माप में आंकड़े का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि ये क्वेश्चन आंसर हमारी वेबसाइट, तो आप वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। आपको टाइप करना है www.electronicsmechanic.complete.blogspot.com, और दोस्तों वहाँ पर आप जो है जितने भी यहाँ पर मॉडल पेपर हैं, आंसर पेपर है, सॉल्व पेपर जो कि अब तक मैंने अपलोड किए हैं वो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों CRO और हम DSO के बीच में यहाँ पर डिफरेंस जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों CRO में हम जो है सिग्नल स्टोर नहीं कर सकते, जबकि हम DSO में सिग्नल स्टोर कर सकते हैं। और दोस्तों जो यहाँ पर CRO होता है उसमें दोस्तों हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ नहीं करते, जबकि हम DSO में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो डिजिटल वैल्यू यहाँ पर शो होती है वेव के फॉर्म में। और दोस्तों जो CRO होता है उसकी स्क्रीन का साइज कम होता है और वो कम चमकदार होती है, जबकि DSO का स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर ज़्यादा चमक होती है। और दोस्तों CRO के द्वारा दोस्तों हम BH वक्र प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि हम DSO के द्वारा BH वक्र है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसका आकार बड़ा तथा भार अधिक होता है CRO का, और दोस्तों जो DSO होता है उसका भार कम होता है, वो आकार भी यहाँ पर छोटा होता है। और दोस्तों जो CRO होता है उसमें प्री ट्रिगर व्यू नहीं होता, और DSO में प्री ट्रिगर व्यू यहाँ पर होता है। और दोस्तों CRO में दोस्तों इसके द्वारा चैनल का अंतर तथा जोड़ नहीं किया जा सकता, जबकि DSO में हम चैनल का अंतर जोड़ दोनों ही कर सकते हैं। और दोस्तों जो CRO है उसको हम दोस्तों एक्स वाई प्लॉटर भी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि CRO का अन्य नाम या दूसरा नाम क्या है, तो आप वहाँ पर याद रखिए एक्स वाई प्लॉटर CRO का दूसरा नाम है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फंक्शन जनरेटर के बारे में। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि फंक्शन जनरेटर मतलब कि जो जनरेट करता है,
दोस्तों इसके द्वारा हम दोस्तों अलग अलग आवृत्ति के हम यहाँ पर सिग्नल जनरेट करा सकते हैं। दोस्तों जो जनरली होता क्या है, जो LC और RC सर्किट होते हैं, तो दोस्तों उनमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करके आवृत्ति को कंट्रोल किया जाता है। बट दोस्तों फंक्शन जनरेटर में इंटीग्रेटर के द्वारा करंट के एम्पलीट्यूड मतलब कि धारा के आयाम को चेंज करके आवृत्ति को कंट्रोल किया जाता है। और दोस्तों फंक्शन जनरेटर के द्वारा हम 0.01 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति के सिग्नल को दोस्तों हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि हम फंक्शन जनरेटर के द्वारा कितने से कितने फ्रिक्वेंसी तक के सिग्नल यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है 0.01 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल को हम जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों फंक्शन जनरेटर के जो यहाँ पर एडवांटेज हैं, फीचर्स हैं, वो आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बेसिक बेसिक यहाँ पर बताया है आपको कि इसके द्वारा दोस्तों हम जो करंट है उसके एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करके, एम्पलीट्यूड को चेंज करके फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगली वीडियो बनाऊंगा वो मैं यहाँ पर DSO यानी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के बारे में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने बात की CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRT कैथोड रे ट्यूब और CRT एंड DSO के बीच में डिफरेंस की। और दोस्तों यहाँ पर और भी इसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों एक वीडियो और मैं यहाँ पर बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको DSO के बारे में बताऊंगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई हो या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब तक आप नहीं बताएंगे जब तक मैं आपके लिए कैसे पता चलेगा मुझे कि आपको कुछ चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आई। जो भी आपको समझ में नहीं आया हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट जरूर करते जाइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे और वीडियो सेकेंड ईयर पर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।